हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। ये मेरा ईओडी का सेकंड पार्ट है। आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा, अब ये है मेरा सेकंड पार्ट। तो हम ये ट्रैम्पलिन पार्क में जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है जिसमें कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं। ये हमारा नंबर आ चुका है ट्रैम्पलिन पार्क में अंदर जाने का। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर ये है पार्क। और अब यहाँ पर हम अंदर एंट्री होने वाली है, बट उससे पहले हमें पहनने हैं सॉक्स। सॉक्स यहाँ पर अलग से मिलते हैं, उसे ही पहन के एंट्री हो सकती है। बट बच्चों के लिए कुछ नहीं था, बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो सॉक्स पहन के अंदर जाएंगे। वो जैसे भी थे अपने शूज़ उतार के अंदर चले गए थे। तो फ्रेंड्स, हमने भी कर ली थी एंट्री, अब हम अंदर जा रहे थे। और मुझे यहाँ देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था कि लोग किस तरीके से जंप कर रहे हैं। और फिर मैंने भी स्टार्ट किया जंप करना, बट मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पर जंप करने में, क्योंकि एक भैया ना यहाँ पर हमारे साथ में जंप कर रहे थे, और जंप करते करते उनके पैर में मोच आ गया। तो इस वजह से मुझे उन्हें देख के और ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं मेरे ना लग जाए। और मायरा के पापा तो इतनी तेज़ी से जंप कर रहे थे, मुझे इन्हें देख के इतना डर लग रहा था कि अरे आराम से कर लो, आराम से कर लो। बट ये सुन ही नहीं रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ टायर वाले स्टंट में, बट ये कैमरा घूम गया है हिमांग की तरफ। हिमांग देख सकते हो आप, अकेला अकेला लगा पड़ा है खेलने में। वो अपना गाड़ी चला रहा था अकेले अकेले, बहुत मस्ती कर रहा था। बट यहाँ पर देख सकते हो मेरा टायर वाला चल रहा है। टायर वाले में मुझे बहुत डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार ना हो पाए। बस तीन ही टायर थे और मैंने फटाफट से ये पार कर लिए। और पार करने के बाद फिर मैं दूसरे स्टंट पे गई थी। दूसरा स्टंट आप देख सकते हो, उसमें ये रिंग को पकड़ के झूलना था, जिसमें कि मैं झूली और मैं फिर बाद में गिर गई। तो फ्रेंड्स, गिरने के बाद मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना स्टंट करने। बट इसमें बड़ी दिक्कत होती है निकलने में, एक बार गिर जाते हैं ना तो गिरने के बाद फिर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हो अब ये तीसरा स्टंट जो है, इसमें मैंने झूला झूला है। अब झूला झूलते झूलते मेरे को रिंग को पकड़ना है, तो मैंने रिंग को तो पकड़ लिया था, बट रिंग को पकड़ने के बाद फिर से मैं गिर गई थी। तो अब ये रिंग को मैंने पकड़ लिया। अब रिंग को जैसे पकड़ने के बाद जब मैं झूली हूँ तो फिर से मेरा हाथ छूट गया, फिर मैं गई। तो इसी तरीके से फिर से मैं गिर गई हूँ। अब मेरा ये कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं गई हूँ टीटी खेलने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल टेनिस भी है, टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी टाइम में नंबर आता है। फिर हम गए थे आर्चरी गेम पे। आर्चरी गेम में हमें बहुत मज़ा आया। वहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से तीरंदाजी कर रही हूँ, बट वहाँ पर बच्चों को मज़ा नहीं आया, क्योंकि बच्चों को बस वहाँ पर देखने को मिला। फिर इन्होंने मंत्र फूकने के बाद इन्होंने गेम खेला। फिर हमने करी बॉलिंग करने में बच्चों के साथ हो रही थी बड़ी दिक्कत, क्योंकि बॉल तो होती है इसकी हैवी और बच्चे उठा उठा के भाग रहे थे करने के लिए। तो इस वजह से हम जल्दी से आ गए थे वहाँ से, और फिर हम अपने घर के लिए रवाना होने के लिए रेडी हो गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।